वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक KFW। स्टूडेंट्स, आज हम एज वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। 3 ईयर्स हेंस फादर्स एज विल बी 10 ईयर्स मोर देन ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ हिज सन। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास दो पर्सन हैं, एक फादर की एज गिवन है और दूसरा उसके सन की एज। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों में से किसी की एज भी गिवन नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी की एज को सपोज करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो प्रेजेंट एज है, तो द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो यहाँ पे हमारे पास फादर की एज पर कंडीशन दी जा रही है, किसकी बेस पर, एज ऑफ सन, यानी बेटे की एज के ऊपर कंडीशन दी जा रही है बाप की उम्र की। तो हम क्या करेंगे, सन की एज को सपोज करेंगे और उसके तहत हम फादर की एज को फाइंड करेंगे। सपोज दैट प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू एक्स। अगर सन की प्रेजेंट एज एक्स है, तो हमें जो कंडीशन दी गई है वो क्या है कि फादर की एज उस सन की एज के 3 गुना से भी 3 ईयर्स ज्यादा है। सन की एज एक्स है, तो फादर की एज क्या होगी, फादर की एज पे हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है, अपने बेटे की एज के 3 गुना से भी 3 साल ज्यादा है। तो इस एज का क्या बन जाएगा, 3 गुना क्या बन जाएगा, यानी 3 मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ, इससे भी 3 साल ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास करंट एज ऑफ सन आ चुकी है और उसके बाद ये प्रेजेंट एज ऑफ फादर आ चुकी है। उसके बाद हमने क्या बनानी है, एक इक्वेशन बनानी है और उसके थ्रू हम सन की एज भी फाइंड करेंगे और फादर की एज भी फाइंड कर सकेंगे। तो हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है, 3 ईयर्स हेंस, कि 3 साल बाद फादर्स एज विल बी 10 ईयर्स मोर देन द ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। कि 3 साल बाद जो फादर की एज होगी वो क्या होगी, 10 साल ज्यादा होगी। किससे, 10 साल ज्यादा होगी, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, अपने बेटे की एज के 2 गुना के भी 10 साल ज्यादा होगी। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, वो कह रहा है 3 साल बाद, तो 3 साल बाद फादर की एज क्या होगी, तो फादर की करंट एज क्या है, 3x+3 है, तो 3 साल बाद क्या बन जाएगी, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर मजीद 3 ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास उसकी फ्यूचर एज आ रही है, तो ये किसके इक्वल होगी, सो विल बी के बाद हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है, 10 ईयर्स मोर देन, यानी 10 साल ज्यादा है, किससे, मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, कि उसका जो सन है उसकी एज के 2 गुना। अब 3 साल गुजर गए, अब 3 इधर ऐड किया है, तो इधर क्या होगा, उसकी उम्र में भी क्या होगा, 3 साल ऐड होंगे, तो इस उम्र का दुगुना क्या होगा, 2 x+3, के फादर की एज 3 साल बाद क्या होगी, उसके बेटे की एज के 2 गुना से भी 10 साल ज्यादा होगी। तो ये हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन बन चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने सन की और फादर की एज फाइंड करनी है। सो क्या होगा, हमारे पास ये 3x+3+3 क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। उसके बाद ये 2 मल्टीप्लाई होगा 2x+, और जब 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, हमारे पास 6 बन जाएगा, और उसके बाद 10 as it is। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम वेरिएबल्स को एक साइड पे लेके जाते हैं और कांस्टेंट को एक साइड पे लेके जाते हैं। तो 3x हमारे पास यहीं पे रहेगा, और ये 2x इधर प्लस हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये 6 + 10 क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा, और ये +6 इधर आके क्या बन जाएगा, -6 बन जाएगा। 3x में x क्या करें, माइनस करें, तो क्या बनेगा, हमारे पास 1x बच जाएगा। तो इधर 16 में से 6 माइनस करें तो क्या बनता है, 10 बनता है। तो x हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। तो x क्या सपोज किया था हमने, हमारे पास एक्स था प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो सन की एज क्या हो चुकी है, सो हमारे पास प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या आ चुकी है, वो 10 साल आ चुकी है। तो हमने प्रेजेंट एज ऑफ फादर फाइंड करनी है, तो वो हमारे पास क्या थी, 3x+3 मीन 3 × 10, एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू 10 आ चुकी है हमारे पास, +3। तो ये क्या बन जाएगा, 3 × 10 = 30 + 3 = 33। सो हमारे पास फादर की एज क्या आ चुकी है, 33। सो वी कैन से दैट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 33 ईयर्स। सो स्टूडेंट्स, आज हमने एज वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व किया, जिसके अंदर हमारे पास दो पर्सन की, एक फादर की और एक सन की एज फाइंड करनी थी। तो
वो हमने फाइंड की। तो इस तरीके से आप इस तरह के अगर क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो इस तरह से आप एज फाइंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।